ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। एक मंत्रालय अलग से गठित हो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों की चिंता करे। भाई सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतना बड़ा नाम जिसने बिहारियों की पहचान को कहां से कहां वो लेकर गए, आज तक नहीं समझ में आया कि क्या हुआ और क्या तत्परता दिखाई उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने, जब तक उनके पिता ने आकर मांग नहीं की, इन्होंने तो सीबीआई जांच की सिफारिश तक नहीं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि खुद गृह मंत्री भी हैं, वहीं अगर बिहार के जनता को सुरक्षा भाव नहीं दे सकेंगे तो बिहार की जनता भला खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। कुछ इस तरह से चिराग पासवान ने बिहार के बढ़ते अपराधों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि बीते दिनों चिराग पासवान पहले जमुई जाते, जहां जमुई में वो नीतीश के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और उस वक्त भी बिहार में बढ़ रहे अपराधीकरण पर और बिहार में बढ़ रहे अपराधी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं। सीएम नीतीश कुमार पर बिहार के पुलिस प्रशासन पर हमलावर होते नजर आते हैं और अब फिर से चिराग पासवान ने आज पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिहार में जिस तरह से अपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बिहार में जिस तरह से अपराधियों के पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटने टेक रखे हैं, बिहार की जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती है। लेकिन क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री यानी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खुद ही इस बिहार के बढ़ते अपराधियों अपराधिक घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, उनके मुख से एक शब्द तक नहीं निकलती है। पहले बिहार में एक एसएचओ की हत्या कर दी जाती है, फिर पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और सीएम नीतीश कुमार मौन रहते हैं। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, किस तरह से उन्होंने बिहार में अपराधियों की लगातार बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सीएम नीतीश कुमार पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है, उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। विषय को लेकर है, खैर वो विषय लंबे समय से बिहार में चल रहा, पर उसका एक और पक्ष जिस तरीके से उभर कर सामने आया, ये हमारे प्रदेश की चिंताओं को और ज़्यादा बढ़ाता है। ये बात किसी से नहीं छुपी कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के सामने। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार का, पर आज नहीं दो दिन पहले जिस तरीके से एक और घटना सामने आई, ये अपराधियों के मनोबल को और इस सरकार की नाकामियों को उजागर कर, अगर पुलिस अधिकारियों की हत्या अगर हमारे प्रदेश में होने लग जाए तो आप बताइए भैया बिहारी कहाँ जाएगा। अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही थी, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही थी, व्यवसायिकों की हत्या हो रही थी, पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार अब अधिकारी होने लग गए हैं जो पुलिस विभाग में लंबे समय से कार्यरत हैं, जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? आम बिहारी मरते हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता, पर आज जब इन्हीं के विभाग के लोगों की हत्या की जा रही है तब भी अगर मुख्यमंत्री खामोश रहेंगे तो ये प्रदेश कहाँ जाएगा? भाई जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों की रक्षा करने की है, आज उन्हीं लोगों की हत्या की जा रही है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस तरीके से नंदकिशोर यादव जी की हत्या कर दी गई 14 तारीख को समस्तीपुर में,
समस्तीपुर के मोहनपुर में ओपी थाना अध्यक्ष के तौर पर ये वहाँ पे कार्यरत थे। 14 तारीख को इनकी हत्या की गई, 15 तारीख को ये जानकारी सामने आई। अब मुझे नहीं पता कि विलम्ब किया गया जानकारी देने में कि मुख्यमंत्री जी को भैया झंडा फहराना है, उससे पहले ये जानकारी सामने नहीं आई, जो भी है, पर एक अधिकारी की हत्या हुई है यहाँ पे, जो प्रशासनिक सेवा में थे, जो बिहार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे थे। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अगर अब भी वो खामोश रहते हैं तो आप बताइए कैसे मनोबल आप बढ़ाएंगे। बिहार पुलिस में जो लोग तैनात हैं, कैसे उनको इस बात का सुरक्षा का भाव मिलेगा भैया कि अगर आज हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, कल को अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये सरकार हमारे साथ खड़ी है। क्या ऐसे में पुलिस में तैनात हमारे जवानों का, उनका मनोबल, ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं वहाँ के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं, मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया कि भैया क्या मांग रखेंगे, क्या मिलेगा इस सरकार से हम लोग। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब आप किसी की उम्मीद तोड़ते हैं, जब आप किसी की आस तोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उसका सब कुछ मिट जाता है। आज अगर बिहारी जीता है तो इस उम्मीद पर जीता है कि चलिए हमने जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिताई, पर कल को हमारा आने वाला भविष्य तो बेहतर रहे। पर जब आप इस सवालियों की उम्मीद तोड़ें, क्यों मेरे बच्चे भैया कोटा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और वहाँ जाकर वो आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो परिवार उनको कंफर्ट देता, वो परिवार उसको यहाँ पर रखने के लिए सक्षम नहीं। उसको पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पर रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाएगा डिग्री का कोर्स करने जाएगा तो 3 साल के कोर्स में उसको 5-6 साल लग जाएगा, अब 5-6 साल के बाद जाकर कहीं पे उसको कोई डिग्री मिल गई तो नौकरी मांगने जाएगा तो यही सरकार उस पर लाठी चलाएगी। तो इसीलिए ये उम्मीद बिहारी खो चुके हैं और अपने बच्चों को जीने मरने की चिंता किए बिना दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वहाँ वो लड़ रहे हैं जीवन से, अपमानित हो रहे हैं, पर अपने राज्य में वापस नहीं आ पा रहे, आत्महत्या कर रहे हैं दूसरे राज्य में। कोटा में अभी परसों जिस तरीके से एक बच्चे ने आत्महत्या करी, क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार उसके परिवार से जानना चाहा, पूछना चाहा कि भाई क्या हुआ, क्यों हत्या की? क्या उन्होंने इस बात की जांच करनी जरूरी समझी कि भाई दूसरे राज्यों में क्यों बिहारी बच्चों हत्या कर रहे हैं? एक जांच टीम उन्होंने भेजना जरूरी समझा कि जाए जाकर इसकी जाँच करे? भाई स्थानीय प्रशासन लीपापोती करेगा, आपको तो अपने प्रशासन पर विश्वास होगा ना, पर नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो वो मुख्यमंत्री हैं जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अच्छा यूक्रेन में इतना बिहारी बच्चा गया है, हमको तो पता ही नहीं। केंद्र सरकार यूक्रेन से बच्चों को ला रही है फ्लाइटें भर भर के युद्ध के समय। इन्होंने एक बार ये जानना जरूरी नहीं समझा कि जो बच्चे बाहर गए कम से कम उनका डेटा तो हो हमारे पास, जाकर पूछिए बिहार सरकार के पास है कोई डेटा इनके पास? एक आदमी की जानकारी इनके पास नहीं है कि कितने बिहारी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश में गए। और फिर बोलते थे 2005 में कि हमारा सपना है कि जो पलायन कर गए हैं वो वापस अपने प्रदेश में आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलता है कि भाई एक प्रवासी मंत्रालय बनना चाहिए, एक मंत्रालय अलग से गठित हो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों की चिंता करे। भाई सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतना बड़ा नाम, जिसने बिहारियों की पहचान को कहां से कहां वो लेकर गए, आज तक नहीं समझ में आया कि क्या हुआ और क्या तत्परता दिखाई उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने, जब तक उनके पिता ने
आकर मांग नहीं की, इन्होंने तो सीबीआई जांच की सिफारिश तक नहीं की। 3 हफ्ते 4 हफ्ते बीतने के बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की, क्या तब तक वो तथ्य रहे होंगे, क्या वो सबूत बचे होंगे वहां पर? क्यों नहीं तुरंत इन्होंने अपनी टीम को वहां पर भेजा कि जाइए जाकर जांच कीजिए, एक बिहारी मरा है वहां पर। ये तो इनकी संवेदना है बिहारियों को लेकर। भाई जब अपने बिहार में मर रहे बिहारी भागे भागे जाते हैं ये दूसरे राज्यों में, बेंगलुरु गए थे भागे भागे, अभी इनके घर पे जाके देखिए सूटकेस खुला होगा, पैकिंग चल रही होगी मुंबई जाने की, नहीं अभी तो खैर दिल्ली से वापस आएंगे तब पैकिंग करेंगे, पर मुंबई जाएंगे, ये भागे भागे देश के हर राज्यों में जा रहे हैं अर्जी लेकर। केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सबसे ज़्यादा शौक इन्हीं को चढ़ा, उसी दिन जाके पहुँच के भले केजरीवाल जी इनसे मिले कि नहीं मिले, पर बधाई देने ये दिल्ली यहाँ से भागे भागे दिल्ली तक गए। पर इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई समस्तीपुर चले जाए, दरभंगा चले जाए, मुजफ्फरपुर चले जाए। अरवल में माँ बेटी दुष्कर्म का विरोध करते करते जल कर मर गई, बच्ची 5 दिन तक यहीं PMCH में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती गई। हम गए थे उस बच्ची के पास, बोल नहीं पा रही थी पर जिन निगाहों से देख रही थी, एक बार मुख्यमंत्री जी ने ज़रूरी समझा वहाँ जाना। तो जब मुख्यमंत्री इन चीज़ों पर भी जब खामोश रहेंगे भाई, जब आपके अधिकारी मर रहे हैं आप खामोश, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के ऊपर जब अटैक आप ही के राज्य में किया जा रहा है और टारगेट किलिंग अब कर रहे हैं जाति वर्ग के लोगों को चिन्हित कर 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 इनके प्रदेश में मारा जा रहा है, अनुसूचित समाज के वर्ग के लोगों को देख लीजिए, चौकीदारी के पेशे में जो लोग हैं, चौकीदार को ऐसी जगहों पे गश्त पे भेजा जाता है, निहत्ते उनको भेजा जाता है जहां पर आए दिन उनकी हत्या की जा रही है, और मुख्यमंत्री खामोश, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक बार इन्होंने जानना जरूरी नहीं समझा कि भाई चौकीदार को आधी रात में इस ड्यूटी पे क्यों भेजा गया, एक बार इन्होंने पूछताछ करनी जरूरी नहीं समझी और जाकर वो शहीद हो गया, उसके बाद खामोश, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पासवान समाज के लड़कों की गला रेत कर हत्या की जा रही है, कौन सा ऐसा वर्ग है भैया, कौन सी ऐसी जाति है जिसको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा? पत्रकारिता के समाज के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, प्रशासनिक लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, वंचित वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री लगे हैं दिल्ली में जाकर आंख दिखाने में, उनके पास फुर्सत ही नहीं है इन चीज़ों की। और आज जब बिहार एक तरफ अपराधियों से ग्रस्त, वहीं बार बार हम बोलते हैं कि भाई हम कोई भविष्यवक्ता नहीं, पर यह बात हर बिहारी जानता है कि इन महीनों में बिहार में बाढ़ सुखाड़ आती है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में एसी के कमरे में बैठे आराम फरमा रहे और इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई नेता उनको मिलने का समय दे तो भागे भागे जाएंगे मिलने के लिए, पर इनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और आधा सुखाड़ से ग्रस्त है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री उसके लिए? किसान जब तक आत्महत्या नहीं करेगा तो आप उसको उसका उचित मुआवजा नहीं दीजिएगा ना, भले बाढ़ में उसकी फसल गई हो या सुखाड़ में उसकी फसल गई हो। क्या आपने रिव्यू करना जरूरी समझा? कल हम जमुई गए थे, दिशा की बैठक हम वहां पे किए, जमुई का एक एक व्यक्ति किसान परिवार से जुड़ा हुआ आकर हमको बोल रहा है कि भैया इस बार हम अपनी रोपनी नहीं करते। और जब हम उसी बैठक में जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए, और प्लीज़ आप लोग भी ये कीजिए ताकि इस सरकार की पोल खुलनी ज़रूरी है, जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए कि कितना रोपा हुआ है तो बोलता है 75%। सोचिए 75%, दक्षिण बिहार जहाँ पे पानी का इतना अभाव रहा है वहाँ पर ये लोग बोल रहा है 75%, और कई प्रखंड तो ऐसे जहाँ पे 95%, 98%, ऑन एन एवरेज 80-85%, 80-85%, जो सबसे कम वाला प्रखंड हमारे यहाँ रहा है उसमें भी 65% ये लोग दिखा रहे हैं। सोचिए